रोटरी क्लब युगल, रोटरी यूफोरिया, रोटरैक्ट, गोरखपुर युवा और नई दिशा के संयुक्त तत्वावधान में अध्यक्ष सुधा मोदी की अध्यक्षता में लालडिग्गी स्थित मोती जेल परिसर में रह रहे करीब 250 बच्चों को गर्म कपड़ा, स्वेटर, मफलर, खाद्य सामग्री का वितरण मुख्य अतिथि महापौर सीताराम जायसवाल और पूर्व महापौर अंजू चौधरी के सानिध्य में किया गया। कार्यक्रम में सरदार जसपाल सिंह, जगनैन सिंह नीटू, द्वारिका केडिया, मयंक केडिया, वैशाली मोदी और खुशबू मोदी का विशेष योगदान रहा। इस संबंध में महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार ऐसे लोगों के प्रति चिंतित है, अपने अधिकारियों को निर्देशित कर चुकी है कि कोई भी बेसहारा ठंड से आहत ना हो। ऐसे रोटरी क्लब ने अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए कंबल, स्वेटर, मफलर वितरित किया। ऐसे में इस संस्था के सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कार्यक्रम अध्यक्ष सुधा मोदी, महापौर सीताराम जायसवाल और पूर्व महापौर तथा राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने कहा। सबके नाम से गिन के सबको मिलेगा। रुको, बच्चों को पता नहीं कोई भी नहीं उठेगा। आइए आइए आशाली और लो सब लोग उठाते चलिए इधर पीछे से सब सामने आए, सब आए, सब सामने आए। वैशाली सीधा मुँह कर लो, इसीलिए तुम्हारी मेमोरिया से आए हैं और नई दिशा के तत्वाधान में। ये नई दिशा की हमारी मेंबर है, बहुत सक्रिय में सीताराम जी का सौर मेरी अजीज भाभी बीच अर्षदारी हमारे बीच जो भी हर बड़ा नाम बन रहे हैं, लेकिन मेरे लिए जो आए हैं तो समय कितना कीमती है और इसी दिन से आप आए हैं, मैं आपसे तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, सबके साथ अदा करूँ क्योंकि आप हमारे साथ। हमारे खुदा के बंदे तो हैं, हजारों बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा प्यारे जिसे खुदा के बंदों से प्यार होगा। ये तो हम सब शहरवासियों का काम है। खुदा जी ने ये बीड़ा उठाया है। रत्नाकर तिवारी जी, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। आपने उन वर्ग से को चुना है जो जो सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं और सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड रहते हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई और जब भी आप याद करेंगे हम हमेशा यहाँ मौजूद मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्य हो रहा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अप्रिशिएटिंग है। मेरे से जितना हो सकता है मैं कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ क्योंकि मैं अफ्रीका में रह के भी मुझे इस तरह के कार्य करना बहुत अच्छा लगता है। नॉट फॉर पॉपुलैरिटी बट दिल से अच्छा लगता है, सो आई एम ऑलवेज रेडी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। मेरा शुभ नाम है, मैं सुधा मोदी गोरखपुर युगल की प्रेसिडेंट हूँ, नई दिशा की संरक्षक हूँ और गोरखपुर नगरवास में एक आम एक मेंबर हूँ, गोरखपुर के एक आम सदस्य हूँ। आज यहाँ पे मलिन बस्ती में मोती जेल में बच्चे हैं जिनको हम लोग पिछले 5 साल से पढ़ा रहे हैं। इन बच्चों के बीच में कंबल का वितरण रोटरी युगल, रोटरी यूफोरिया और रोटरैक्ट युवा के साथ नई दिशा के तत्वाधान में किया गया है। मैं सुधा मोदी
पिछले 5 साल से इन बच्चों के साथ जुड़ी हुई हूँ, मेरी पूरी टीम जुड़ी हुई है और हम लोग पिछले 5 साल से इन बच्चों को स्वेटर और कंबल, इनको स्टेशनरी, इनको खाने पीने का सामान, सब चीज़ हम लोग इन लोगों को मुहैया कराते हैं। लेकिन चूंकि ये कोरोना पीरियड के बीच में हम लोग नहीं आ पाए यहाँ पे, तो इस बार ये पहला प्रोजेक्ट है कंबल का, क्योंकि इतनी ठंड थी तो मेरा मन नहीं माना और न मेरे संस्था की मेंबर्स का मन माना। सब लोग आगे बढ़ के कंबल वितरित हम लोग किए हैं सारे लोगों को। सारे लोगों को नया स्वेटर देंगे, सारे लोगों को टोपा देंगे और 15 तारीख से हमारी यहाँ क्लासेस भी शुरू हो जाएगी। देशवासियों से मेरी ये मुहिम है कि इसी तरह का प्रोजेक्ट करते रहे तो हमारे पूरे देश में साक्षरता चलेगी, सब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और हमारे बीच में एक नया भारत का उदय होगा। इसी तहत से मैं ये काम कर रही हूँ। यहाँ पर 3 रोटरी की संस्थाएं हैं, तीनों के संयुक्त प्रयास से, और हमारे सुधा मोदी जी रोटरी युगल के अध्यक्ष हैं और उनके प्रयास से एक गरीब बच्चों के बीच में इस जाड़े के मौसम में कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया है। एक कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय है, उन तबकों को जहां कोई नहीं पहुंचता है रोटरी पहुंचा रहा है, और इसके लिए मैं रोटरी के सभी पदाधिकारियों का और यहां उपस्थित समाज के सभी वर्ग के लोग यहां पर आए हुए हैं, सबको मैं नगर की जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज रोटरी क्लब गोरखपुर क्लब रोटरी क्लब गोरखपुर युगल ने अपनी ओर से यहां पर ये बंधे पर जितने गरीब बच्चे हैं, खास करके दलित बच्चे हैं, उन लोगों को कंबल वितरण करने का काम किया है। रोटरी क्लब युगल की जो प्रेसिडेंट हैं सुधा मोदी, वो उन्होंने ये विचार किया और पहले भी हम लोग महिला क्लबों से जैसे कंबल बांटने का वितरण का काम करते रहे हैं और कई लोग करते हैं, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि हमारी महिला अध्यक्षा ने आज कंबल वितरण करने का काम किया है और हम लोग सबको वितरण करने के लिए बुलाया है। मैं एक बार पुनः उन्हें बधाई देती हूं और इसी तरह से रोटरी क्लब युगल और रोटरी क्लब मेन काम करता रहे लोगों के लिए, ये हम लोगों के लिए बहुत हर्ष की बात होगी। कंबल वितरण के साथ बच्चों को कुछ और भी, हाँ, और भी उन लोगों के लिए खिलौना दिया जा रहा है, उनको कैप दिया गया है, क्राउन दिया गया है, गर्म कपड़े दिया गया है, इस तरह के सब चीज़ें अभी वितरण हो रहा है, वितरण चल रहा है, अभी 1 घंटा तक और वितरण होगा। कम से कम 300 बच्चे हैं यहाँ पर, 300 बच्चे कम से कम हैं, ठीक है।